वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 एमसीक्यूज जो कि आपके जनरल साइंस के लिए गए हैं सीजीएल 2017 का जो आपका एग्जाम हुआ था उससे, क्योंकि आपका सीजीएल 2018 का एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आपकी जो जनरल साइंस का जो आपका पार्ट होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स में टायर वन में। तो किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से जो है लेटेस्ट एग्जाम 2017 का टायर वन हुआ था उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए, तो उनको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं, वन बाय वन ये प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। देखिए सबसे पहले आप गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज समझिए होता क्या है। ठीक है, तीन गैलीलियो लॉज हैं आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी क्या कहता है कि सभी की सभी बॉडीज जो रेस्ट से फॉल करती हैं, सेम हाइट से फॉल करती हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस के, लाइक जो एयर का रेजिस्टेंस होता है, तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगी इक्वल टाइम में। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम ये लॉ पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो वेलोसिटी होगी, जो बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन से नीचे गिरेगी, ठीक है, हाइट से नीचे गिरेगी, तो उसके द्वारा जो वेलोसिटी एक्वायर की जाएगी फॉलिंग बॉडी के द्वारा फ्रॉम द रेस्ट इन गिवन टाइम टी टाइम के अंदर, तो वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, कौन से लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज में, सेकेंड लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, ये चीज क्लियर। थर्ड लॉ क्या कहता है फॉलिंग बॉडी का, जो डिस्टेंस ट्रेवल्स किया जाएगा फॉलिंग बॉडी के द्वारा, ठीक है, टी टाइम के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द टाइम के। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के सेकेंड लॉ में। थर्ड लॉ में क्या होगा, डिस्टेंस जिसे हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के। तो ये लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी है गैलीलियो के, आपको पता होने चाहिए। तो ये अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी को न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेस। जो मेटल की कास्टिंग की जाती है, मेटलर्जिकल फर्नेस होती है जिनके अंदर मेटल को पिघलाया जाता है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है किसके द्वारा मापा जाता है, जो टेम्परेचर हाई होता है तो वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर, पायरोमीटर। विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन एंट बाइट्स। चींटी आपको काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है वो, देखिए चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल का निम्नलिखित में से कौन सा आपको एग्जाम्पल है बताने। सॉल क्या होता है, सॉल एक कोलोडियल सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड सोल का एग्जांपल होगा मींस सॉलिड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, दैट इज कलर्ड जेम स्टोन। ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, कलर्ड जेम स्टोन्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं हम हमारे प्रीवियस वीडियोज में, सीजीएल 17 में आपसे पूछा गया था, हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं ह्यूमिडिटी को। ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी निम्नलिखित में से नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिन्हें मापने के लिए हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यूज करते हैं। मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, स्पीड, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी। सो जो आपकी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, आपको समझाया गया है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हो गए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, आप यूं कह लीजिए जिन्हें हम न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करते हैं। ये भी एक आसान तरीका है याद रखने का स्केलर क्वांटिटीज का। किस टेम्परेचर पर जो प्योर वाटर फ्रीज करेगा और वो टेम्परेचर आपको फेरनहाइट में मापना है तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। सबसे पहले आपको फेरनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। अब आपको पता है वाटर जो जमता है वो जीरो डिग्री पे जमता है, यहाँ पे फेरनहाइट किसके बराबर होता है, 9/5 C+32।
यहाँ पर सी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, तो फेरेनहाइट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 32। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, कितनी बार हम कर चुके हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, केमिस्ट्री के आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, ऑप्शन टू होगा इसका सीधा सीधा राइट आंसर, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, आसानी से आप याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोन बाय इट सिंबल इज जनरली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब, देखिए टंगस्टन जो होती है, टंगस्टन जिसे हम वॉलफ्रेम भी बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 74 होता है, वो सिंबल W से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था ना कि जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किस मेटल का बना होता है, टंगस्टन, फिर उसे हम बताएंगे कि वो टंगस्टन को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, W से। द नेम टंगस्टन कम फ्रॉम द फॉर्मर स्वीडिश नेम फॉर द टंगस्टन मिनरल स्केलाइट फ्रॉम टंगस्टन हैवी स्टोन, ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एन इमेज फॉर्म्ड बाय एन अ कनकेव मिरर ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, तो यहाँ पर पांच कंडीशन मैंने आपको दी है कि किस किस कंडीशन में कनकेव मिरर के अंदर किस किस टाइप की जो है इमेज बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो पॉइंट नंबर थ्री है उसमें यदि आप सेंटर जो आपकी ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन टू है राइट आंसर, रियल इमेज। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, सीधा सीधा आपको जो है डायग्राम में दिखाया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट हो तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगा। सो ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन। चलिए नेक्स्ट, अ डैश थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, जनरली कहा जाता है जो नाइलॉन थ्रेड होता है वो स्ट्रॉन्गर देन होता है किससे, स्टील वायर्स। सो ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक मेटल की लेयर को दूसरी मेटल की लेयर के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके, तो कौन सी प्रोसेस की बात ही हो रही है, यहाँ पर सीधा सीधा डेफिनेशन ही दे दी क्वेश्चन में, आपको बस आंसर बताना है। तो गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है दैट यूज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जिसमें यूज किया जाता है टू रिड्यूस डिसॉल्व मेटल कैटायन सो दैट दे फॉर्म अ थिन कोहेरेंट मेटल कोटिंग ऑन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डैश रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम, बात हो रही है यूनिफॉर्म मोशन की अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन, तो क्या उसके सेम रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, वेलोसिटी होगी कॉन्स्टेंट उसकी। नेक्स्ट है द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन रेटिना फॉर अबाउट डैश ऑफ अ सेकंड, कितने टाइम तक जो है इंप्रेशन रहता है इमेज का रेटिना के ऊपर, ये आपको बताना है, 1/10, 1/8, 1/16, 1/5 ऑफ अ सेकंड, तो इसका आंसर है 1/16 ऑफ अ सेकंड। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एसिटिक एसिड किसका दूसरा नाम भी है, इसे हम क्या क्या बोलते हैं, विनेगर, ऑप्शन वन सिरका जिसे हम बोलते हैं, हालांकि सिरका के अंदर जो है काफी कम मात्रा में एसिटिक एसिड होता है, ये हम डिटेल में भी एक बार पढ़ चुके हैं वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट, देखिए 8th क्लास की साइंस का बुक है उसके अंदर एनसीईआरटी से डायग्राम लिया गया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आप देख सकते हो, आयरन नेल जब उसमें डालते हैं पहले तो ये है, बाद में जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट क्या आया, ग्रीन आयरन सल्फेट आपको जो है सोल्यूशन मिला, यानी कि पहला प्रोडक्ट आपको मिला आयरन सल्फेट और दूसरा क्या मिला, कॉपर मेटल ऑन आयरन, दूसरा क्या मिलेगा, कॉपर, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। सो 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया, फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ठीक है नया टाइप का प्रश्न है आपको पता होना चाहिए, जो जानवर ज्यादा टेम्परेचर के अंदर जो है सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं,
उन्हें बोला जाता है यूरीथर्मल, यूरीथर्मल, EURYTHERMAL। तो एक शिफ्ट में पूछा गया था यूरीथर्मल और एक शिफ्ट में पूछा गया था अभी जो मैं आप हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कम टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, स्टेनोथर्मल, उन्हें हम बोलते हैं स्टेनोथर्मल। तो स्टेनोथर्मल एक शिफ्ट में पूछा गया और दूसरी शिफ्ट में यूरीथर्मल भी पूछा गया था, आगे आपसे आपको प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज वेस्टेड व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, दिस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू, देखिए मशीन चलती है इन फॉर्म ऑफ हीट की यहाँ पर बात हो रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है हीट पैदा होगी। यहाँ पे ऑप्शन वन है इसका, सॉरी ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर, फ्रिक्शन। द इंसिडेंस रे, द डैश एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच की जो लाइन होती है 90 डिग्री की, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी क्या है, एक सेम प्लेन के अंदर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा थ्री, नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तो ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, नॉर्मल। नेक्स्ट है ब्लू विट्रॉयल इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लू विट्रॉयल किसका दूसरा नाम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन और कॉपर सल्फेट का, ये आपको बताना है। मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ब्लू विट्रॉयल का अनदर नेम होता है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है द रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास, पाउडर्ड फॉर्म में जो ग्लास होता है मैच बॉक्स के ऊपर, प्लस थोड़ी मात्रा में होता है रेड एंटीमोनी आर्सेनिक सिलिकॉन फॉस्फोरस, ये तो हम जानते हैं मैच बॉक्स में जो है रेड फॉस्फोरस प्लस पाउडर्ड ग्लास का यूज किया जाता है, सो ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, देखिए पहले आया था नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, अब आया है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, सो इसका आंसर है यूरीथर्मल, और पहले वाले का क्या था, स्टेनोथर्मल, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है और स्टेनोथर्मल में नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है हम सभी जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालू तो क्या होगा, फोर्स बाय में, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका फोर्स है, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और मास के फॉर्म में बात करें तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, और जितना कम मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द कोइल वायर इन द इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, सर्किट एलिमेंट फिलामेंट सेल्स, फिलामेंट तो बल्ब के अंदर हम यूज करते हैं, एलिमेंट उसको बोला जाता है, ठीक है, एलिमेंट कहा जाता है, ऑप्शन टू है राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, डैश इज ऑब्टेन बाय वेपोरेशन ऑफ सीज, ठीक है, वेपोरेशन से जो ऑब्टेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सी में ज्यादा मात्रा में जो है सॉल्ट पाया जाता है, सो वेपोरेशन से क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड कॉल्स, जो कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं लाइक यूरिन हो गया, ये कंडक्टिंग लिक्विड है, उसमें से करंट पास करेगा, रेन वाटर भी कंडक्टिंग लिक्विड है, साल्ट सॉल्यूशन भी कंडक्टिंग लिक्विड है, करंट उसमें पास करने से क्या होगा, जो उसके अंदर आयन होंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे, आयन डिसोशिएट होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल है ये भी प्रश्न, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाला प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रेक्ट होगी, तो वो होगी आपकी वर्चुअल इमेज, ऑप्शन वन है राइट आंसर। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, अपोजिट पोल के जो मैग्नेट होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को टच तो नहीं करते ना, लेकिन जब आप अपोजिट
साइड्स ऑफ पोल को आपस में करीब लेकर आओगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि उनके बीच में क्या होता है फोर्स आप कह लीजिए प्रोड्यूस होता है, उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट तो नहीं होता ना उन दोनों के बीच में, तो ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड, जाहिर सी बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की चेंज हो रही है तो उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, केमिकल चेंज थोड़ी ना बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ना उसकी चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, ये कितना घिसा पिटा सा प्रश्न है, कितनी बार पढ़ चुके हैं, गैल्वेनाइजेशन इसको बोला जाता है, इसको एक्सप्लेन भी नहीं मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सीधा बढ़ूंगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज इफ, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कब इंक्रीज होगा, ठीक है ये आपको बताना है, या तो दोनों सरफेस क्या हो हाईली रफ हो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, एक कंडीशन और हो सकती है कि यदि फोर्स की हम बात करें प्रेशर की मैं बात करूं ज्यादा आप इंक्रीज कर दें ठीक है सरफेस के ऊपर तब भी जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। अ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज कैप्ट बिटवीन द टू सरफेस, भाई लुब्रिकेंट तो जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर, हाँ ये है ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर, यदि दोनों सरफेस को यहाँ पर दोनों सरफेस को आप जो है प्रेस करेंगे हार्ड तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। इरेगुलरिटीज ऑन बोथ सरफेस आर रिमूव्ड, तब भी जो है फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड, काफी सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, डक्टिलिटी इसको बोलते हैं कि कितना हम जो है वायर को खींच सकते खींच कर जो है उस कितना मेटल को हम खींच कर उसकी वायर बना सकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी में क्या होता है उसको पीट पीट के हम चादर बना सकते हैं, तो डक्टिलिटी हो गया राइट आंसर। If the force applied on the object is in direction opposite to direction of motion, the speed of object. ये देखिए कितना सिंपल जनरल साइंस का प्रश्न है, पांचवी क्लास का प्रश्न है। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन से आप कोई फोर्स अप्लाई इस पे करते हैं तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया उसकी मोशन को, ठीक है वो रेजिस्ट करेगा फोर्स तो उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी, सिंपल है ऑप्शन थ्री है राइट आंसर डिक्रीज। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर एमिट विच गैस, फायर एक्सटिंग्विशर जनरली जो गैस होती है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर नॉर्मल जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। What is formed when magnesium burn? Magnesium को आप जलाओगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगी ash. Option 3 है इसका right answer. Ash. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing its motion is said to be, देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न है भाई, यदि स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है बार बार चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड थोड़ी ना बोलेंगे, ना ही पीरियोडिक ना ही सर्कुलर, सर्कुलर में तो मूव कर ही नहीं रहा स्ट्रेट लाइन जब उसने बोल दिया तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ऑप्शन फोर उसकी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन और कोल्ड, देखिए मैंने आपको बताया था पहले जो लुब्रिकेंट होते हैं, सीधा सीधा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कोई यदि आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है MgOH2, देखिए कौन सा है ऑप्शन फोर है राइट आंसर MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, दो टाइप के मान लीजिए आपके पास फ्यूल है, एक ग्राम आपके पास पेट्रोल एक ग्राम आपके पास डीजल है, दोनों एक ग्राम आपने वो जला दिया एक ग्राम आपने जो है डीजल जला दिया एक ग्राम पेट्रोल जला दिया, आपने देखा पाया मान लीजिए मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जो है डीजल से ज्यादा जो है ऊष्मा मिली
एज कंपेयर टू पेट्रोल। लेकिन हम जनरल साइंस में इस चीज को हम कैसे मापेंगे कि स्पेसिफिक फ्यूल को पूरा जलाने पर इतनी जो है आपको ऊष्मा मिली है, ठीक है? तो इसे हम मापते हैं कैलोरीफिक वैल्यू में। द एनर्जी ऑब्टेन, जो एनर्जी आपको मिलती है पूरा फ्यूल जलाने से, द एनर्जी ऑब्टेन कंटेंड इन फ्यूल फूड डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ इट। उसको पूरा जलने से जो आपको हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल। और इसे मापा जाता है जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर आप कह सकते हो किलो जूल पर किलोग्राम एक ही बात है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड स्पेस पेन। इस टाइप के इन्वेंशन काफी पूछे गए थे भाई, जो हम जनरली जो स्टैटिक जीके की बुक होती है उनमें हमें देखने को नहीं मिलते। ये प्रश्न आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे इन्वेंशन वाले? ये मिलेंगे एनसीईआरटी। स्पेस पेन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट ब्रदर्स, रुडोल्फ डीजल, पॉलसी फिशर। ये सभी जानते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आप जानते हैं क्या इन्वेंट किया था, राइट ब्रदर ने क्या इन्वेंट किया था, रुडोल्फ डीजल ने, आप सभी जानते हैं। एक ऑप्शन बच गया पॉलसी फिशर, तो ऑप्शन सीधा सीधा वन हो जाएगा, राइट आंसर पॉलसी फिशर। नेक्स्ट इन द फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी, u प्लस v बाय 2, u इज द एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, भी होता है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री है राइट आंसर इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स, जो अंगूरों के अंदर एसिटिक पाया जाता है, एसिटिक, टार्टिक, लैक्टिक, फॉर्मिक, कौन सा? खट्टे फलों में भी टार्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड आंसर होगा आपका यहाँ पर, टार्ट्रिक एसिड। ग्रेप्स की बात हो रही है, और सिट्रिक एसिड भी खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है? लेकिन जो ग्रेप्स होते हैं उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सी फाइबर को कहा जाता है? नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर और आर्किलिक। तो इसका आंसर है सीधे सीधा रेयन। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड यूरेनस। यूरेनस प्लेनेट को किसने डिस्कवर किया था? यूरेनस प्लेनेट को डिस्कवर किया था विलियम हर्शल। ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, विलियम हर्शल। नेक्स्ट है, द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल आर विच टाइप ऑफ मिरर्स। जो साइड मिरर्स होते हैं कारों के, हम एग्जांपल लेते हैं, वो होते हैं कन्वेक्स होते हैं, कनकेव होते हैं, प्लेन होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, प्लेन तो नहीं होते, कन्वेक्स होते हैं। ऑप्शन वन है राइट आंसर कन्वेक्स। इन एन एसिड बेस रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस अलोंग विद सॉल्ट। एसिड बेस रिएक्शन की बात हो रही है, सॉल्ट के अलावा जो कौन सा प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर। वाटर हमें मिलेगा। ऑप्शन फोर है राइट आंसर, वाटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग आल्सो कॉल्ड। जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है उसे और क्या बोला जाता है? फ्यूजन, गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सभी जानते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी आप जानते हैं, गैल्वेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, एक ही बच गया हमारा फ्यूजन। तो ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर, फ्यूजन भी हम बोलते हैं मेल्टिंग रिएक्शन को। हु डिस्कवर पोटेशियम, पोटेशियम को किसने डिस्कवर किया था? पोटेशियम को डिस्कवर किया था हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर, हम्फ्री डेवी। एक पीरियोडिक टेबल है, यदि आप नेट पे सर्च करोगे, यदि आपको ये एलिमेंट देखने हैं जैसे आपसे पूछे गए थे, तो उसमें उनके इन्वेंटर के नाम भी जो है साथ साथ दे रखे हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ से आपको जो मेन मेन एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट जो है हम पढ़ते हैं, जो आपको लगते हैं कि बेसिक जो है बार बार हम पढ़ने को मिलते हैं, उनके इन्वेंटर आप जो है एक बार रिविजन करके चला जाइएगा। स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाई, स्ट्रेंथ जो है फोर्स की किसे एक्सप्रेस करते हैं? जनरली से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड। वो सिंपल है, नींबू के रस में आप पानी डालोगे तो जो एसिड होगा, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई? लो हो जाएगी। वाटर एक बेस का काम करेगा, तो ये एक जो रिएक्शन होती है इसे आप न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, किसी भी एसिड में वाटर डालोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फ्रेडरिक मिक्सचर, हेनरी बेक्वरल, हेनरी कैवेंडिश।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। इन क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट टू स्टे और एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर यदि इसको ध्यान से आपने पढ़ा होगा जनरल साइंस, सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है इनर्शिया की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यू इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस दैट स्टेट इज चेंज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड, तो वन ऑस्किलेशन जो कंप्लीट करेगा पेंडुलम, ठीक है, वन टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड बोला जाता है उसे, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, टाइम पीरियड। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, मेटल रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या प्रोड्यूस करेगी, ऑक्सीजन सोडियम वाटर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करेगी। विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर, लाइम वाटर के अंदर कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक ट्रैम, इलेक्ट्रिक ट्रैम किसने इन्वेंट किया, जेम्स कुक, विलियम हार्वे, फियोडोर फायरोवस्की, रॉबर्ट बॉयल्स। तो इसका आंसर है फियोडोर फायरोवस्की, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, फियोडोर फायरोवस्की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि जो है हमें भी एनकरेजमेंट मिलती रहे वीडियो बनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थैंक यू।